अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा आधा मुंह क्यों छिपा है। जी बताओ, मेरा आधा अभी ये सो के उठी है, ये देखिए इसका रिएक्शन। तो आज सारा दिन बस यही रिएक्शन देखेंगे। और आज हम करने वाले चैलेंज, वो भी बहुत यूनिक सा, ऐसा कुछ सोचे नहीं थे लेकिन अब हो गया। जियो के तो ध्यान से देख रही है। तो ये है हाफ मेकअप चैलेंज, जो कि सारा दिन हम ऐसे ही आधा मेकअप करके अब ऐसे देखें। जिया कैसे लग रहे? जिया अपना चेहरा दिखाओ। तो ऐसे ही हम आज घूमेंगे। तो जीसू कह रहा है अब मम्मी अपना मजाक उड़ा रही है। मजाक क्या, चैलेंज एक है कि आधा ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तब तक आधे में आप लोग बताइएगा कैसा मेकअप हुआ है, मत बताइएगा। ये देखिए, तो आज हम ऐसे ही घूमने वाले हैं क्योंकि संडे कुछ अलग होना चाहिए ना, अलग बाहर जाए। हाँ, बाहर का काम तो बाहर वैसे भी नहीं जाते, आज घर में करेंगे। अगर घर में अच्छा चल गया तो बाहर भी निकल जाएंगे, है ना। बस मजाक बनवाई, तो घर ही में तो है, तुम ही लोग मजाक उड़ा रहे हो और कौन, है ना। अभी ये नहीं आए हैं, सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे कर रहा है। डर जाएंगे, तुम डरे, हम डर गए। देखी नहीं मेरी तरफ, देख ही नहीं रहा। जिया तुम डरी है? उसका चेहरे देखने पे चला डरी नहीं। तो चलिए फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। और टाइम अभी कितना हो रहा है? साढ़े नौ हो रहा है। ये घर में नहीं है, ये गए हैं बाइक सर्विसिंग कराने। और खाली हम बोर हो रहे थे तो हम आधा आधा मेकअप करना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए फिर नाश्ता वास्ता देते हैं और आज ना सारा दिन ऐसे ही घूमेंगे। तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और जिया नहा के भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं आए हैं। तो मेकअप अभी मेरा चल ही रहा है, जैसे कि जिस तरफ मेरा मेकअप हुआ है ना, उस तरफ जिया एकदम अच्छे से हेयर स्टाइल कर रही है, और जिस तरफ मेकअप नहीं हुआ है उस तरफ नॉर्मल एकदम जैसे बाल रोज का जो है ना वो वाला कर रही है। तो ये देखिए मेरा मेकअप, और वाकई ना जब मैं देख रही थी तो अजीब सा लग रहा था। ना आधे तरफ मेकअप और आधे तरफ, यानी कि देखिए कितना अंतर हो जाता है ना मेकअप करने से, इंसान एकदम ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं और सीढ़ी चढ़, ये देखिए, लेकिन इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरा तो हम तो बस इनका चेहरा ही देख रहे थे, बोले बहुत अच्छी लग रही, अरे वाह दम तैयार हो गई। तो सारा जो भी सरप्राइज था, जो भी था, सब बेकार कर दिया। ये आए ना, हाँ बड़ी अच्छी रही, ये पहचाने भी नहीं, कुछ ध्यान भी नहीं दिए कि हम कैसे हैं क्या है, यानी कि ये हमेशा हम बस ना झूठ बोलते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ध्यान से देखे भी नहीं, बस आते अरे वाह बड़ा अच्छी लग रही हूँ, बड़ा अच्छी लग रही हूँ, क्या अच्छी लग रहा है। ये हमको ध्यान से ना देखते भी नहीं है, कह रहे हैं कि इतना साल हो गया इतनी शादी, कब तुमको ध्यान से देखेंगे, बोलिए। अरे 18 साल से तो देख ही रहे हैं, अब क्या देखे। तो इतना भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि क्या करी है चेहरे पर, बस ऐसे ही आप हमेशा, यानी कि ऐसे ही हमसे झूठ झूठ बोलते रहते हैं। ये औरतों को तारीफ बहुत पसंद है। तो तारीफ बहुत पसंद है, इसका क्या मतलब? देखो टाइम से खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, तो औरतों की तारीफ करते रहना चाहिए एकदम। अगर सही से घर को चलाना तो ये बहुत जरूरी ट्रिक है। आप लोगों को भी बता दे रहे हैं। सुबह से हम पोत ओत के बैठे हुए आधा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि हाँ हम ऐसे करके बैठे, पता तो चला कि ये झूठी तारीफ बस करते हैं। तारीफ झूठी नहीं की जाती है, तारीफ झूठी कभी हो ही नहीं सकती। अरे तो अभी अभी क्या किए आधा, ऐसे ऐसे दिखी तो अरे बहुत अच्छी लग रही हो। अभी जब वीडियो, ऐसे... वीडियो में भी लोग देखे कि हम ऐसे खड़े थे। नहीं नहीं ऐसे दिखी तो बहुत अच्छा था, अब जब ऐसे आ गए तब लगा रही मेकअप नहीं की हो। हाँ, तो आप डर गए। हाँ डर गए। हाँ। कह रहे हैं कि तुमको क्या सूझा ये करने का, ऐसे आधा आधा ऐसे ही। सुबह जीसू भी कह रहा था और ये भी, कम से कम पता तो चला एक साइड से और लु 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 लु, और दूसरे साइड। क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं इनसे शादी, बस ये ना धोखे में हमसे शादी किए, और हमसे झूठ झूठ कहा गया था कि लड़का बड़ी हसमुख है, तो हम भी सोचे चलो जिंदगी हंसते खेलते निकल जाएगी, लेकिन पता चला कि सिर्फ खेलते खेलते निकल गया।
ये इतना गुस्सैल है ना कि हंसी तो पता नहीं कहाँ चला गया। या तो शादी से पहले खूब खुश थे इसीलिए हंसते रहते थे और शादी के बाद दुखी हो गए। कोई तो भी हस्बैंड शादी के बाद खुश नहीं रह सकता। तो ये तो हाल है। चलिए अब हम तो फंस गए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान एकदम ठोक पीट के शादी वादी करिएगा, है ना? हाँ। तो चलिए ठोक पीट। हाँ, लेकिन शादी के बाद यही हालत हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर। तो ये शाम का क्लिप है और ये मार्केट गए थे, यानी कि आज आप लोग को पता है ना कि सब्जी का मार्केट लगता है। तो बाजार उजार करके ये आए ना, तो उधर से रास्ते से इनका फेवरेट झाल मुड़ी, वो जो चूड़ा लाई और मूंगफली सब कुछ मिक्स रहता है ना, तो वही लेकर आए हैं। तो प्याज वाज काट के इसमें रेडी किए और अच्छा लगता है, खाली जैसे टाइम पास के लिए ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे साड़ी मैं पहन चुकी हूँ और ये जो साड़ी है ना बहुत सालों बाद निकली है, ये लेकर आए थे। तो साड़ी आप लोग को पता ही ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो पहले जब वीडियो वीडियो बनाते थे ना तब साड़ी पहनते थे और उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे चूड़ी दो दो ठो पहने थे, साड़ी पहन लीजिए तो चूड़ी तो भरपूर होना चाहिए, नहीं तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो जिया मुझे चूड़ी दे रही थी और चूड़ी ना हरा हरा, तो सावन है तो सावन में ना थोड़ा हरा अच्छा भी लगता है। और हमेशा हर साल क्या था ना कि सावन में मेला लगता था, तो मेले में जब भी हम जाते थे तो हरी चूड़ी ज़रूर लेते थे। अब इसे कोई भी अब हिंदू मुस्लिम में मत ज्वाइन करिएगा, ये ऐसे ही शौक से, क्योंकि इधर क्या है कि सब लोग पहनते हैं तो देख देख के शौक हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं भी हरी चूड़ी पहन रही हूँ और साथ में हम लोग बैठ के तीनों लोग बस बात करें। आज जिया स्वीटी बाजी के घर गई थी, यानी कि जो सेकंड नंबर वाली जो जेठानी है ना, तो सारा दिन आज उन्हीं के यहाँ थी, तो वहाँ से आई ना, तो वहाँ की सारी बात बता रही थी और बताई कि आज वहाँ पे हम कॉफ़ी बनाए थे। तो हम लोग बोले कि चलो वहाँ पे पिलाई थी, अब हम लोग को भी पिलाओ। तो जिया यहाँ पे कॉफ़ी बना के लेकर आई है, लेकिन अभी तक वहाँ की बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी रात भर वो वहाँ की बात बताएगी। सारा दिन तो वो ऐसे खाना बनाई थी, तो आज मोमोज खा के आई थी, स्वीटी बाजी मोमोज बनाई थी, बहुत टेस्टी था बता रही थी। मैं तो नहीं खाई, लेकिन हाँ वो अच्छा खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे जो सब्जी लेकर आए तो लगे हाथ सब्जी भी खाली कर देने, तो वो ना झोले में पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाएगा। बरसात के टाइम में क्या है, सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा भींगी हुई रहती हैं, तो उन्हें तुरंत भी निकाल के अलग कर लीजिए और जहाँ रखना है वहाँ पे रख दीजिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाहर सब रख दे रहे हैं, उसके बाद फिर पॉलिथीन में कर करके ना अलग अलग करके रख देंगे और उसको भी धोएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा भींगा भींगा है धनिया की पत्ती, तो अब तो रखने का मन ही नहीं करता है। ले आइए और सुबह तक ना वो अजीब सा हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए रख दे रहे हैं। बचाए बुरी नजर से, मेरे लिए तुम कुर्ती उर्ती देख रहे हैं क्या? तो साड़ी वाड़ी पहन चुके हैं, सुबह आधा मेकअप किए थे तो इसीलिए सुबह, अरे अभी शाम आप ना हमको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। हम क्या किए नहीं तो हाँ। चाहे कोई भी गलती हो तो अपना गलती मानने से अच्छा है दूसरे पे थोप दीजिए, खत्म हो जाएगा। कंधा खाली है, कंधा खाली। तो सुबह आधा मेकअप किए थे और अभी पूरा मेकअप कर लिए, कि क्योंकि ये मेरे पे गुस्सा आ रहे थे, क्या आधा लेके मेकअप घूम रही और डरा रही। या तो धो लो या तो उसको भी इधर मेकअप कर लो, तो सच्चा हम धो ही लिए, बोले हटाइए। तो चूड़ी उड़ी पहन लिए, दो दो चूड़ी पहने थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो कभी ध्यान देते नहीं है, तो इससे अच्छा अपने से अपने पे ध्यान दे लो, वही ज्यादा अच्छा है। आप लोग देखे ना सुबह कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी है ये आदमी, मेरे बहुत बड़ा बेइज्जती कर दी है। तो छोड़िए, जाने दीजिए, बात को खत्म करिए, क्योंकि इतने साल से ना बस बात को खत्म ही करे, बहस कौन करे। नहीं, नहीं, बोलो 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 जो बोलना, बोलो बोलो, खत्म क्यों करोगे, बोलो बोलो। नहीं बोलो, नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ, तो आप लोग बोलते है ना कि थोड़ा ढंग से पहन लिया करिए सूट वूट के लिए सब चीज, तो ये मेरे लिए कुर्ती उर्ती देख रहे हैं, राइट? सिर्फ देख रहे हैं। एक आप ना मंगा भी दीजिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, रेड रेड रेड। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। अब बस अंगूठा दिखाइए, पहले अंगूठा यानी गलत, मैंने आज अंगूठा बड़ा अच्छा लग रहा है।
है ना, पहले अंगूठा गलत है ना, अंगूठा ही दिखाया जा ऊपर रही मतलब है। ठेंगा दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं। कितने दिन से कह रहे हैं 10,000 10,000 10,000, पता नहीं कब 10,000 होगा, और केक आएगा, फिर केक कटेगा और हम लोग केक खाएंगे। अभी तक इंतजार में बैठे हैं कि केक अभी नहीं मंगाएंगे, अब सीधे 10,000 में मंगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, शेयर कर दीजिए, है कि नहीं। ये देखिए, ये तो कुछ नहीं, शेयर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, आप लोग इतने अच्छे से बोले, आप लोग शेयर कर दीजिए, कर दीजिए। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। हाँ, शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर मेरे को ध्यान तो देते हैं नहीं।